तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जो मेरा पहला जो एपिसोड था वो कॉपीराइट की वजह से अब उड़ चुका है। तो मैंने सोचा है कि अगर दोबारा से कॉपीराइट लगेगा तो मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही वीडियो को बनाऊंगा। तो बात ना बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो मोमोचेन होती है वो रितो और हाउना के पास में जाती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब रितो बोलता है ये सब गैजेट को हम देखभाल कर रहे हैं। और इसके कुछ देर पहले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो टियाजी होती है वो लाला को एक काम के लिए बुलाती है। और हम देखते हैं जो रितो होता है वो कहता है कि ये जो गैजेट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं एक जो गैजेट होता है वो गिरने ही लगता है। तब जो रितो और हावना होते हैं उस गैजेट को तब पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं इन दोनों का बॉडी आपस में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। तब वहाँ पे लाला आती है और कहती है कि तुम दोनों ने मेरे गैजेट को देखभाल किया है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और हम देखते हैं जो लाला होती है वो अपने सारे गैजेट को रख लेती है और वो इन दोनों को बोलती है कि मेरा एक काम है और वो यहाँ से चली जाती है। और तब हम देखते हैं जो मोमोचेन होती है वो कहती है ये जो गैजेट है लगता है इसका पावर थोड़ी देर बाद ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो मोमोचेन होती है वो कहती है अगर ऐसा ही है तो हम लाला को बुला सकते हैं। इसके बाद रितो कहता है अगर मैं लाला को यहाँ पे बुलाऊंगा तो जो लाला है वो थोड़ी उदास फील करेगी। और इस पे जो हावना होती है वो भी एग्रीड करती है। और ये देखने के बाद जो मोमोचेन होती है वो सोचती है कि ये दोनों मेरी दीदी से कितना प्यार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो रितो होता है वो जाने लगता है और वो अचानक से यामी के ब्रेस्ट को पकड़ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं जो यामी होती है वो रितो को माफ़ कर देती है क्योंकि वो हावना के बॉडी में होती है। और हम देखते हैं तब रिसा वहाँ पे आती है और रितो के ब्रेस्ट को दबाने लगती है। और इस पे जो रितो होता है वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करने लगती है। और इसके बाद हम क्लासरूम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो सारे लड़के लड़कियाँ होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो रितो और हावना होती है उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो हावना होती है वो टॉयलेट में जाने लगती है। तब जो कोतेगा होती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब जो हावना होती है वो बोलती है मैं तुमसे एक बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और तब जो कोतेगा होती है वो एक इमेजिनेशन करती है कि जो रितो होता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डेट करना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं जो कोतेगा होती है वो हावना को धक्का दे देती है। इसके बाद हम मोमोचेन को देखते हैं जो इन दोनों के बारे में सोच रही होती है कि इन दोनों ने अपना बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया होता है। और वो बोलती है कि मैं कितना जेलस फील करने लगी हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पर रितो आता है और मोमो से कहती है कि मैं बाथरूम में जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। और तब जो मोमोचेन होती है वो बोलती है ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं जो मोमोचेन होती है वो रितो को लेके बाथरूम में जाती है। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जो रितो होता है वो हावना से माफ़ी मांगती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो हावना भी होती है वो रितो से माफ़ी मांग रही होती है। इसके बाद हम लाला और नानाचन को देखते हैं जहाँ पे जो नानाचन होती है वो लाला से बोलती है कि मोमोचेन कहाँ पे है। और तब लालाचन बोलती है कि जो मोमो है वो किसी काम के लिए गई हुई है। और हम देखते हैं जो मोमोचेन होती है वो इन दोनों को बोलती है कि तुम्हारे पास और 2 घंटे हैं। और हम देखते हैं जो रितो होता है वो बोलता है हम कहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि अगर मैं घर पे जाऊँगा तो जो लाला है उसे सब कुछ पता चल जाएगा। और तब मोमोचेन कहती है क्या तुम हावना के हाउस पे जा सकते हो, यही हमारे लिए अच्छा होगा। और तब हम देखते हैं ये सब हावना के हाउस पे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों जब हावना के हाउस पे पहुंच जाते हैं तब उसकी जो सिस्टर होती है वो बाहर आती है और वो रितो की ओर देखती है और बोलती है तुम अपना समय ले सकते हो। और तब जो हावना होती है वो सोचती है कि मेरी दीदी लगता है गलत कुछ समझ रही है। इसके बाद हम हावना को देखते हैं जो किचन पे गई हुई होती है वो अपने बर्तनों को क्लियर कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो वो डॉग होता है वो मोमोचेन को देखती है और उसके टेल को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो उसके टेल को चाटती है जिसके वजह से जो मोमोचेन होती है वो गिर जाती है और उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। तब हम देखते हैं जो हावना होती है वो मोमोचेन को बचाने के लिए जैसे ही जाती है उसका पैर एक केचप पे गिर जाता है और हम देखते हैं उसका जो सारा केचप होता है वो रितो के ऊपर जा गिरता है।
और इसके बाद हम देखते हैं जो मोमोचने होती है वो रितु को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सावर लेना चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे जो वो डॉग है वो लगता है तुम्हें चाटने वाला है। और ये सुनने के बाद जो रितु होता है वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हावना होती है वो रितु को क्लियर कर रही होती है। तब जो हावना होती है वो सोचती है, मैं जब अपने आप को मिरर में देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि जो रितु है वो मेरी ही बॉडी को क्लियर कर रही होती है। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जो मोमोचन होती है वो इन दोनों को देख रही होती है। और इसके कुछ देर बाद जो इस गैजेट का असर ख़त्म हो जाती है और हम देखते हैं इन दोनों का जो बॉडी है वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। और तब जो रितु होता है वो अचानक से हावना के ऊपर गिर जाती है। तब हावना होती है और रितु के ऊपर गुस्सा होती है और उसे मार देती है। तब हम देखते हैं जो मोमोचन होती है और बोलती है, मुझे लगता है मैंने देखा ही नहीं कि जो गैजेट है उसका पावर लगता है ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हमें रितु का हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे जो रितु होता है वो जब घर पे आता है तब जो मिकान होती है वो बोलती है, तुम्हारे इस फेस में क्या हुआ है? और तब जो रितु होता है वो कहता है, कुछ नहीं। इसके बाद हमारा सीन यहीं पे कट हो जाती है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो क्लीनर होती है वो एक गैजेट को खेलती है। और तब जो मोमोचन होती है वो बोलती है, लगता है ये गैजेट ख़राब हो चुका है। और हम देखते हैं जो टियाजी होती है वो जाने लगती है। तब जो गैजेट में से एक चीज़ टियाजी के ऊपर जा गिरता है और हम देखते हैं जो टियाजी होती है वो जब क्लास में जब पढ़ा रही होती है तब उसे कुछ होता है और तब वो बोलती है, ये क्या हो रहा है? और उसके बाद हम देखते हैं जो क्लीनर होती है वो उस गैजेट की मदद से जो टियाजी है उसको टच कर रही होती है, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो क्लीनर होती है उस गैजेट पे एक और चीज़ को अनलॉक कर देती है, जिसके बाद वो उसे क्लिक करती है तब टियाजी को और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। और हम देखते हैं जो टियाजी होती है उसका जो बुक होता है वो अचानक से रिसा के ऊपर गिर जाती है और उसके लिए वो रिसा से माफ़ी भी मांगती है। इसके बाद हम टियाजी को देखते हैं और जब जा रही होती है तब वहाँ पे रितु आता है और टियाजी को बोलती है, क्या आप ठीक हैं? और वो उससे एक बुक को लेती है और उसके साथ जाने लगती है। और हम देखते हैं यहाँ पे जो क्लीनर होती है वो और एक मोड को अनलॉक कर देती है और उसे क्लिक करने लगती है। और इस बार हमें दिखाया जाता है जो टियाजी होती है वो बहुत ज़्यादा शौक में होती है और बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? तब हम देखते हैं जो टियाजी होती है वो अपने बॉडी को कंट्रोल में कर नहीं पा रही होती है और वो अचानक से गिरने वाली होती है। तब जो रितु होता है वो उसे बचाने के लिए जैसे जाती है तब रितु उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे यामी आती है और ये सब देख के वो रितु के ऊपर गुस्सा करने लगती है। और उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जो मोमोचन होती है वो देखती है जो ये गैजेट होता है वो सच में काम कर रही होती है। और तब वहाँ पर लाला आती है और बोलती है, ये जो गैजेट है ये उसने एक टीचर के लिए बनाया होता है क्योंकि इस गैजेट की मदद से वो अपने आप को मसाज कर सकते हैं। और हम देखते हैं जो वो जो मास्टर होता है वो इस गैजेट को लेती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि उसका सपना पूरा हो चुका है। और तब हम देखते हैं जो मोमोचन होती है वो बोलती है कि रितु कहाँ पे है। और हम देखते हैं जो यामी होती है वो रितु को मार रही होती है, बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तब जो रितु होता है वो कहता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। और इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। और इसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने सोचा है कि मैं मोटो टू लबरू का सीज़न 2 का जो वर्सन है मैं उसका एक रिकैप करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा एक वक्त चाहिए जिसके बाद मैं उसका रिकैप को छोड़ दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।